सेकंड, सब सही है। यस यस, ऑल गुड ऑल गुड, सब सही चल रहा है मेरा भी, कुछ तकलीफ नहीं है जिंदगी में। नहीं है क्या आज ब्लर बैकग्राउंड? चलेगा आज के दिन, मैंने इसमें से इसी में से किया, इसके लिए लॉगिन मेरे अकाउंट से नहीं किया मैंने, तो सेटिंग्स में चेंज कुछ नहीं किया। क्रिस्पी एंड नाइस, क्या बात, चलो वेरी गुड। एक सेकंड, ऐसे हेडफोन्स में। यस पार्थ, चलो स्टार्ट कर दे, सब लोग हो मेरे साथ? तुम लोग एकदम, मतलब बालकनी में मूवी देखना है, मतलब सबको है ना? किधर गया पिन का ऑप्शन? रुक जाओ, पिन करता हूँ। ठीक है, आ गया तुम्हारा बालकनी। चलो वेरी गुड। एक सेकंड ना, तुम ये वो पीडीएफ है तुम्हारे पास, वो नोट्स का क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, सबके पास? तो आज वो देखो अपना आज करना क्या है। हाँ सुनो सुनो, चलो आज करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। आज का अपना टास्क एकदम इजी है। हम लोग आज है ना, फर्स्ट हाफ जो वर्कशीट में दिया है, क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ पीडीएफ नहीं मिला, जैसे मैं फाइल शेयर तो कर सकता हूँ लेकिन मेरे पीसी पे नहीं है। सिद्धेश तू कौन से इसमें है ना, सबके पास पीडीएफ क्वेश्चंस का? पीडीएफ है ना सबके पास? तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं किए? तुम लोग ने एक भी बार देखा नहीं देखा क्या भाई? पहले तो केस बताओ, क्या सीन है तुम्हारा? अच्छा ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, किसी ने ये भेजा मुझे, इसको कॉपी कर देता हूँ। ये वरुण, इसमें है ना सारे क्वेश्चंस? वही है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए? अरे फर्स्ट हाफ ही वो रहेंगे ना अभी। तो वरुण ने जो मुझे ड्राइव का लिंक तूने भेजा, उसमें क्या है बेटा? वरुण लिंक तूने वो ओपन नहीं रखा है, वो ड्राइव लिंक। क्वेश्चंस नहीं है तो रुक जाओ भाई, पहले तो क्वेश्चंस देता हूँ तुम लोग को, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चंस देता हूँ ना। सॉल्यूशंस का क्या करोगे? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, फाइल शेयरिंग ऑन ही है। ये हदी ने जो भेजा है वो उसमें है क्या? ओपन है क्या? वो ओपन है क्या? पर के तुझे ये देना पड़ेगा, सब लोग ने गूगल ड्राइव पे डाल के तो रखा है, तो मैं वो एक लिंक शेयर कर देता हूँ अगर तुम्हारे पास है तो, वरना मैं भेज देता हूँ। मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, इतना ही काम है। किधर गया तुम्हारा चैट? ओपन है क्या ये? When they are in same planation. अच्छा भारत में ओपन लिंक भी है। ओके एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो लिंक सही है कि नहीं, फिर मैं शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ। ओके चलो, ये एक लिंक है वर्कशीट, एक इसका तो था मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये एक लिंक सही है, देखो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ सबके साथ। चलो ऑल ऑफ यू, हाँ मिल गया मिल गया, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल गया। ये देखो मैंने ये जो शेयर किया है ना तुम्हारे सबके साथ, इसमें क्वेश्चंस है। ओके सो इसमें हम लोग कुछ 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 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तुम्हें ये जो वर्कशीट है, व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें ये सॉल्व करना है, तुम्हें अच्छे से पूरा एंड टू एंड पूरा सॉल्व करना है। सो आज यस, आज हम लोग फर्स्ट 75 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस थे, राइट? सो हाँ, तो आज हम लोग फर्स्ट 75, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ठीक है, और बाकी के कुछ जो 75 के बाद वाले हैं, सर पीडीएफ दिया था तो सर के ने प्लीज। हाँ सुनो सुनो सुनो, आज कैसे करना है क्या करना है, मैं पहले रूल्स बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से वर्किंग करेंगे। सुन लो पहले,
कोई बात नहीं, तुम लोग ने जितने सॉल्व किए हो, देखो आज मैं कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ तुम्हारे वर्कशीट में से, ठीक है? लेकिन वो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस जो है, वो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस में से ही मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट क्या तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेस क्लैरिटी, वो थोड़ा तुम्हारा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तुम लोग ने सॉल्व नहीं किया होगा, कुछ के पास क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, कुछ के पास सिर्फ सॉल्यूशंस रहेंगे, तो तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा पता है क्या? तुम्हें एक विजन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस है, तो वो वर्कशीट के पहले 75 क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस हम लोग 2 दिन बाद करेंगे, ठीक है? उसमें से वो नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस में से मैं कुछ लेके आऊंगा क्वेश्चंस, उसी में से ही लाऊंगा मैं, और हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। हाँ, सुनो, वही मैं करने वाला हूँ। और तुम्हें अगर कुछ भी डाउट्स है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा है, या फिर किधर अटक गए हो तुम लोग, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, मैं आज 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 ना तुम्हारे ग्रुप्स पे एक मैसेज आ जाएगा, हिमांगी मैम या फिर तुम्हें मैसेज एक भेज देंगे। आई एम ओपन फॉर, आई आई हैव माई ओपन डाउट सॉल्विंग सेशंस, ओके? सो वीकली 2 से 3 दिन मेरे होते हैं ओपन डाउट सॉल्विंग सेशंस। सो वो रात को 9:30 से 10:30 हम लोग रखते हैं वो। सो उसमें तुम्हें जो भी तुम्हें डाउट्स रहेंगे, देन कम फॉर दैट दोस ओपन डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है? तो वो हम लोग रात के टाइम पे रखते हैं व्हेन योर डे इज ओवर, ठीक है? नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो सब बताता हूँ अभी, वो उधर से स्टार्ट करूंगा ना, तो बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सो तुम लोग ने सुना मेरी बात, सुना? ओके, तो हाँ, वो लिंक विंक सब कुछ भेज देंगे वो मैम, तुम्हें सब कुछ शेयर कर देंगे, उसका उसका टेंशन मत लो रे, लिंक का टेंशन मत लो, वो मैम तुम्हें शेयर कर देंगे, फाइन? सो व्हाट विल बी डूइंग, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन, ऐसे हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है? सो आज हम लोग क्वेश्चंस, अभी आई गेस बहुत सारे लोगों के पास नहीं थे, लेकिन अभी से शायद सबको क्वेश्चंस मिल गए, ओके? क्या हो गया हरिओम? हाँ चलेगा, वो इसमें से हम लोग, हाँ चलेगा चलेगा ओमकर, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आया मैं क्या अभी बोल रहा था? सो इस तरीके से हम लोग वर्किंग करेंगे अपना, फाइन? चलो, सो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ओके? नो 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 रोहाना, एक सेकंड है वैष्णवी, प्लीज सेंड द लिंक, ये लो, ठीक है? ये लो, ये लिंक जिसके से पास नहीं था, ये मैंने लिंक वापस भेज दिया, फाइन? तो इसके अंदर अपना वर्कशीट है, चलो फटाक से स्टार्ट कर दे, ऑल ऑफ यू विद मी, सबका कॉन्सेंट्रेशन इधर अभी, ओके? आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, और मैं अपना, देखो अपना पैटर्न ना, पैटर्न एकदम सिंपल है अपना, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करना, तुम लोग एक बार कोशिश करना, एक आध 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा, तुम लोगों को अटेम्प्ट करोगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फाइन? तो और फिर मैं इधर सॉल्व करूंगा। सो क्या कि सब लोग एक पेज पे रहेंगे, सबको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ सबका सब कुछ होगा। सो तुम लोग मेरे साथ ही रहोगे, इट्स ऑफ नो यूज कि मैं अकेला इधर सॉल्व कर रहा हूँ, फाइन? सो तुम लोग को मैं थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, तुम लोग वो उतने टाइम में सॉल्व करना, एंड देन आई विल सॉल्व, ओके? सो फर्स्ट यू एंड देन मी, ओके? चलो फटाक से, सो लेट्स ट्राई, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट ओपन द क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड। चलो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई करो, चलो 16वां क्वेश्चन ट्राई करो। नो, नॉट नेसेसरी, लावे हुआ है तो इट्स ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, मेरे पास है इधर 16 क्वेश्चन। इफ ए बार इज 2i कैप प्लस j कैप, बी बार इज 3j कैप माइनस k कैप। नहीं, न्यू बुक नहीं, कुछ नहीं, अपने इन वेक्टर्स के नोट्स में लिखो तुम लोग, चलेगा। एंड सी बार इज 6i कैप माइनस 2k कैप। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बार माइनस 2b बार प्लस 3c बार। चलो स्टार्ट, कुछ लोगों का आया आंसर, कुछ लोगों ने पहले से सॉल्व किया है, और कुछ लोगों का आ रहा है आंसर। चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो पता है तुम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं, फाइन? चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई गेस सबको आंसर आ रहे हैं इसके, सबको आंसर आए, और सब लोग ने शायद इनिशियल क्वेश्चन था, तो सब लोग ने शायद ये सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ था। कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी? 11, 14 यूनिट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बार,
चलो वेरी गुड। तो चलो मैं अभी ये सॉल्व करता हूँ। फाइन, ये जो क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑल ऑफ यू विद मी। सबका ध्यान इधर, क्या लिखा है इधर, ए बार माइनस टू बी बार प्लस सी बार। तो चलो 16th क्वेश्चन, ए बार माइनस टू बी बार प्लस थ्री सी बार है, सॉरी प्लस थ्री सी बार। ओके हाँ, नहीं वो थोड़ा आगे पीछे होता है। तो चलो अभी इधर क्या है तुम्हारा, ए बार माइनस टू बी बार प्लस थ्री सी बार। यस यस सिद्धिका। तो देखो अगर इसके हिसाब से अभी हम लोग अगर वर्कआउट करेंगे सो क्या आ जाएगा, चलो एक साथ पूरा पुट अप कर दो, एकदम सिंपल लॉजिक है। ए बार का तुम्हें ये जो इक्वेशन है वो तुम्हें दिया हुआ है, सो पुट अप करो क्या है तुम्हारा ए बार का इक्वेशन, टू आई कैप प्लस जे कैप राइट माइनस टू। बी बार का इक्वेशन क्या है, थ्री जे कैप माइनस के कैप प्लस। सी का इक्वेशन क्या है, थ्री सिक्स आई कैप माइनस टू के कैप। अच्छा बाय लॉज ऑफ वेक्टर्स हमें, मुझे और एक चीज क्या पता है कि मैं इसको बॉडमास रूल जैसा मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी तुम्हारा अपना बॉडमास रूल रहता है, बस इन सिमिलर टर्म्स व्हाट आई कैन डू इज मल्टीप्लाई दिस नंबर्स इनसाइड। ओके सो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम लोग राइट। तो चलो अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो कैसा मिलेगा, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस सिक्स जे कैप ओके प्लस टू के कैप प्लस 18 आई कैप माइनस 6 के कैप। देखो ये सबका इक्वेशन आ रहा है, वॉच इन दिए। हाँ तो अरे फर्स्ट तो इजी से स्टार्ट करेंगे ना, तो 6 के कैप राइट एकदम सिंपल, जो भी आई आई वाले टर्म्स एक साथ, जे जे वाले टर्म्स एक साथ और के वाले टर्म्स एक साथ, तो क्या हो जाएगा चलो बताओ, ये फर्स्ट राइट। सो इधर क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस 18 जे 18 आई कैप, दैट विल बी नथिंग बट 20 आई कैप। देखो इधर जे और किधर जे है, नहीं है, तो चलो प्लस वन माइनस सिक्स विल बी नथिंग बट माइनस फाइव जे कैप एंड दिस इज नथिंग बट टू एन माइनस सिक्स, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फोर के कैप। हेंस प्रूफ इजी, फोर क्यों नहीं बना, माइनस फोर के कैप, समझ में आया। देखो इजी एकदम चिंदी लॉजिक, हो गया तुम्हारा काम राइट। सो इधर से तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें एक इक्वेशन तुम्हें इधर से मिल गया। चलो सो ये कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन मार्क कर दो फटाक से। सो ऑप्शन क्या है तुम्हारा, 20 20 माइनस 5 माइनस 4। सेकंड ओके, सो 20 माइनस 5 माइनस 4 फाइन। चलो अभी एक काम करो, 17th वाला भी ट्राई करो इसके साथ साथ, 17th वाला भी ट्राई करो। चलो 17th क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन, अच्छा मैं इधर स्क्रीन शेयर कर दूं, करूं क्या इधर से, नहीं बना है ना तुम्हारे पास क्वेश्चन, तो मैंने भेज दिया बराबर, तो स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है। यस तो चलो 17th वाला देखते हैं। ओके चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, 17th वाले में क्या हो जाएगा, चलो व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ टू वेक्टर्स सो दैट द रिजल्टेंट मे बी अ यूनिट वेक्टर। चलो अभी ये थोड़ा पहला वाला तो मैंने एकदम इजी वाला लिया था, ठीक है क्या, थोड़ा फ्लो में आ जाओ तुम लोग। ये वाला कुछ लोगों ने पहले से किया रहेगा, कुछ लोगों ने नहीं किया रहेगा, चलो उसके हिसाब से करते हैं। 17वां क्वेश्चन, कोशिश करो क्या मिल रहा है तुम्हें, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, दिया ना मैंने वो, रेफर करो ना सोल्यूशन, रेफर करो मतलब ऐसे, अभी अभी रेफर मत करो, वो जो दूसरा किसी ने पूछा ना उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलो बताओ, कुछ लोग को अलग 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 आंसर आ रहे हैं, खुद से करना है, खुद से करना है भाई दबे, ठीक है इतना ही सिंपल लॉजिक है। पूछा क्या है इसके अंदर, कौन सा वेक्टर मैं ऐड करूं कि भाई इसके ये जो दो क्वेश्चन है, ये जो दो इक्वेशन है इसमें मैं ऐसा तो कौन सा वेक्टर मैं ऐड कर दू। ओके 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 चलो सो अपन फटाक से अपन ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एकदम सिंपल लॉजिक 17th वाले में। देखो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर हमें ऐड करना है इसके अंदर, फाइन। सो एक वेक्टर अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसका यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए। ये दोनों में लेट मी इन, सब लोग खुद खुद का नाम रखो, नाम में सब लोग खुद खुद का नाम रखो, रीनेम योरसेल्फ। तो ये दो वेक्टर्स में मैं जो भी ऐड करूंगा वो एक वेक्टर ऐसा ऐड करता हूँ कि मुझे जो भी आंसर मिलेगा दैट शुड बी नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यस यस रुक जाओ, पहले ये अपन खत्म कर देते हैं। चलो तो इधर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस
टू जे कैप प्लस टू के कैप, ये एक इक्वेशन हो गया, प्लस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, प्लस मैं इसमें ऐसा तो कौन सा नया वेक्टर मैं ऐड करूं, तो चलो और एक वेक्टर अपन ऐड करते हैं। सो ए बार और एक वेक्टर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये इधर मैंने और एक वेक्टर मैंने ऐड कर दिया, और ये इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, आई कैप आना चाहिए। अच्छा वाई आई कैप को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझे सब लोग, ये जिसको इसको लिंक चाहिए मैंने वापस शेयर किया है लिंक, ठीक है। तो देखो इधर क्या आ जाएगा तुम्हें, आई कैप बराबर, एकदम सिंपल लॉजिक है, ए ए बार का वैल्यू तुम्हें ढूंढना है, ये है तुम्हारा टू फाइंड, दैट्स इट। सो यू व्हाट यू टू जस्ट डू इज जस्ट फाइंड दिस ए बार एंड देन यू गुड टू गो, बस इतना ही काम तुम्हें करना है। तो चलो कोशिश करते हैं ए बार ढूंढने की, एकदम सिंपल लॉजिक है। चलो इसमें मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो जो देखो जो जो आई आई वाले टर्म से पहले सॉल्व कर दो, आई आई जे जे और के, ये तीन टर्म्स पहले सॉल्व कर दो, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस ए बार इक्वल्स टू आई कैप, बराबर। तो ऐसे करके हम लोग ने सॉल्व कर दिया, बराबर। सो इतने ये इक्वेशन मुझे मिल गया, बाकी सब वो साइड लेके जाओ, ए बार को एक साइड पे रखो बाकी सब वो साइड लेके जाओ, तो मुझे ए बार का वैल्यू मिल जाएगा। सो ए बार विल बी नथिंग बट आई कैप माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सो ये ए बार क्या हो गया तुम्हारा, आई कैप माइनस थ्री आई कैप विल बी नथिंग बट माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखो तुम्हें समझ में आया ये क्या किया हम लोग ने, एकदम इजी लॉजिक, ये 17वां क्वेश्चन तुम्हारा एकदम चिंदी, राइट, तुम्हारा काम हो गया, 16वां भी हो गया और 17वां भी हो गया। किधर अटका तू अनंत, क्वेश्चन पढ़ा तूने, क्वेश्चन रीड किया था बेटा। सो कौन सा वेक्टर मैं ऐड करूँ वो दो वेक्टर्स में जो क्वेश्चन ने दिया है, कि मुझे जो भी आंसर मिलेगा दैट शुड बी नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। आईडी, अच्छा हु इज दिस आईडी वन, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, आईडी वन, ओके। सो इसके हिसाब से हम लोग ने वर्कआउट किया, समझ में आया। सो इधर क्या किया हम लोग ने, इसके हिसाब से ए बार मैंने इधर पुट अप कर दिया, एंड देन वी आर गुड टू गो, बराबर। जिसको डाउट था उसका डाउट क्लियर हुआ, बाकी सबको मैं वो साइड आई आई जे जे के को मैंने सॉल्व कर दिया, और बाकी सबको मैं वो साइड लिखे गया, दैट्स इट। सो वी आर गुड टू गो, बराबर, एकदम चिंदी। चलो नाउ ट्राई सॉल्विंग, चलो अपन साथ में ही सॉल्व करेंगे अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन रीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th करते हैं, चलो 27th क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि उसके अंदर क्या है। ऑल ऑफ यू विथ मी, एक सेकेंड, ड्रिल हो गई, यस यस वही कर रहा हूँ, 27th ही कर रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ, ओके। किसी ने रेज हैंड किया, एक सेकंड ना, ये स्टाफ है, चलो। सो एक सेकंड ना, कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला तुम्हें सॉल्व करना है, अच्छा तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 27 की। चलो अभी ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, चलो कोशिश करते हैं, 27th क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, ठीक है। वो बीच बीच के जो है ना क्वेश्चन, सो अपन एंड ऑफ द लेक्चर में फिर बाद में अपन लेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो कम फॉर आर डाउट सॉल्विंग सेशन। अच्छा ये आंसर किसको किसको आया, ये आंसर किसको किसको आया भाई, देवे 27th का आंसर किसको किसको आया, चलो वेरी गुड, चलो कुछ लोगों को आया है, 8 आ रहा है, चलो वेरी गुड, ठीक है, ठीक, चलो। सो आई गेस मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बराबर, लेकिन कुछ कुछ को अलग 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 सबका आंसर आया है ना, 4 आया है किसी को, और कौन सा है, 6 आया है, 4 6, और कुछ आंसर आया है तुम लोग को, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है। सो एवरीबडी इज गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, बराबर, क्यों, क्योंकि कैसा होता है ना कि इसमें हम लोग एक
कॉन्सेप्ट भी अलग ही हम लोग यूज करते हैं, और इसके अंदर तुम लोग ने एक लॉ पढ़ाई किया था, अगर तुम्हें पता हो तो। कौन सा लॉ पढ़ाई किया था तुम लोग ने? कौन सा लॉ तुम लोग यूज कर सकते हो इसके अंदर? विच लॉ यू कैन यूज ओवर हियर? पॉलीगॉन लॉ। तो चलो पहले तो एक विजन रखो, पहले तो एक विजन सेट करते हैं कि भाई इसके अंदर अगर पॉलीगॉन लॉ अगर मुझे यूज करना है तो मैं पॉलीगॉन लॉ इसके अंदर किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखो इधर मुझे क्या बोला है कि ए बी है तुम्हारा, राइट, ए बी है तुम्हारा, फिर तुम्हारा ए सी है, बराबर। सो ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार प्लस ए एफ बार। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? वी नीड ऑल विजन इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कर सकते हैं, देखो अलग अलग मेथोडोलॉजी से हम लोग कर सकते हैं, नॉट एन इशू। पॉलीगॉन लॉ से एक कैसा होगा कि तुम्हारा ये क्वेश्चन थोड़ा इजी जाएगा, बराबर। सो चलो अभी इसके अंदर क्या क्या बोला है कि ए बी है तुम्हारा, बराबर, फिर ए सी है, फिर ए डी है, फिर ए ई है और ए एफ है। इफ ओ इज अ, देखो ए बी सी डी है, बराबर, सो इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये सब कुछ तुम्हें ऐड करना है। ये सब कुछ अगर मैं ऐड करूंगा और ओ तुम्हारे सेंटर पे है, ये सब कुछ ऐड करने के बाद अगर वो तुम्हारे सेंटर पे आ रहा है तो तुम लोग का इसका सलूशन तुम लोग किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो चलो अभी इसके अंदर एकदम सिंपल तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ, ऑल ऑफ यू विद मी, सबका ध्यान इधर रखो। चलो इधर मैं लिखता हूँ क्या है हमारे पास, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 27th, क्या दिया है हमें, ऐड किसको किसको करना है? इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन ऑफ पेपर। ठीक है चलो मैं क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम से मैं शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, अगर चाहिए ना तो देख लो, एक बार देख लो क्वेश्चन देख लो। सी मैं रुको रुको रुको, अगर चाहिए ना तो एक बार क्वेश्चन भी मैं शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। ओके तो देखो ये तुम लोग का ही ये देखो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है पढ़ लो एक बार जिसको उसको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 27 तो क्या हुआ, अगर मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे पास जो भी आंसर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ AO। यस यस यस, सबको हैंड्स लोअर ही रखना, ठीक है? तो चलो मैं ये क्वेश्चन सब लोग ने रीड कर लिया क्वेश्चन तुम लोग सब लोग ने, हो गया सबका रीड, क्वेश्चन रीड हो गया, यस और नो? जिसके जिसके पास नहीं था क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास है, मुझे ढूंढना क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, बराबर, ये मुझे ढूंढना है। अगर ये मुझे ढूंढना है तो मेरे पास क्या है, एक हेक्सागोन है, बराबर। सो चलो एक हेक्सागोन बनाते हैं, तो ऐसा कुछ ये दिख रहा है हेक्सागोन, राइट, ये ड्रॉ कर देते हैं पहले। तो देखो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी, ए बी सी डी ई एफ पहले नाम दे दो, फाइन। सो ए बी सी डी ई एंड एफ तुमने नाम दे दिया, वो सेम जो डायग्राम है वही सेम डायग्राम ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखो इधर एरोज भी दिए, तुम्हें डायरेक्शंस भी सब दिए। तो चलो ये ए से लेके सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो चलो ए से लेके जो भी सारे कनेक्ट हो रहे हैं उसको कनेक्ट कर दो। सो इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे है, राइट, ये ऐसे है सारे कनेक्शंस, इधर से ऐसे कनेक्शंस है, सारे के सारे कनेक्शंस ऐसे ही जा रहे हैं, बराबर, सारे कनेक्शंस तुम्हारे कैसे जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। और ए एफ भी तुम्हारा ऊपर जा रहा है बाय द वे, और ये तुम्हारा नीचे जा रहा है, ई एफ नीचे जा रहा है और ए एफ तुम्हारा ऊपर जा रहा है, नहीं सॉरी, ई एफ ई तुम्हारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये ऐसे करके तुम्हें ये सारा चीज तुम्हें दिया हुआ है। सिक्स ए वाज द आंसर, यस, समवन इज अनम्यूट, जस्ट अ सेकंड, नहीं कोई, मैं ही हूं, सबको म्यूट कर दिया मैंने, टेंशन मत, ठीक है, एक मैं ही हूँ, टेंशन मत लो, फाइन। चलो अभी अभी आई गेस ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखो इधर क्या है तुम्हारा, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, राइट, अभी ये तुम्हें ढूंढना है, ऊपर का जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन है। तो चलो अभी नोटिस करो, अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं ए बी प्लस ए सी अगर मैं कर रहा हूँ,
इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, चलो कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी, ये फर्स्ट पार्ट मैंने उठाया, बराबर। तो ए सी को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, दिख रहा है? यस, ए बी ने ये मैंने सेम चीज उठाया, राइट। ये सेम चीज मैंने उठाया, तो ए बी है और तुम्हारा ए सी है। सो मैं इसको ए बी और ए सी को अगर मैंने उठाया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी को वैसे का वैसे ही रखो, प्लस ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी बाय ट्राइंगल लॉ। देखो नोटिस करो, टेल टू हेड, टेल टू हेड, दिस टेल टू दिस हेड कनेक्टेड है, मतलब ट्राइंगल लॉ तुम्हारा बन रहा है इसके अंदर, बराबर। इसके अंदर बन रहा है तुम्हारा ट्राइंगल लॉ। सो मैंने क्या किया पता है क्या, ए सी को मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख दिया मैंने, किसको, ए सी को। समझ में आया? और ए बी मतलब क्वेश्चन में दिया है, कौन सा, ये वाला ए बी इधर आया और ये ए सी को मैंने रिप्लेस कर दिया, समझा? ए सी को मैंने रिप्लेस कर दिया, एक फॉर्मेट में मुझे लाना पड़ेगा ना उसको, राइट, समझा? ओम, एस पी ओम, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, इतना तुम लोग को समझ में आया? तो इसको थोड़ा इक्वेट भी कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी प्लस ए बी विल बी टू ए बी, टू ए बी प्लस बी सी, ये एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया। व्हाई डिड यू ऐड ए बी एंड ए सी, बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन ना, ओम। एक एक करके मैं ऐड ऐड कर रहा हूँ सब कुछ, एक एक करके करा रहा हूँ। सो ए बी हुआ, ए सी हुआ, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, एक काम करते हैं, ए ई ए एफ कुछ हमें दिख रहा है, ए डी को बीच में वैसे ही रखो, ए ई ए एफ मुझे कुछ दिख रहा है, तो ए ई ए एफ को हम लोग यूज करते हैं, ओके। सो इधर हम लोग यूज करते हैं ए ई और ए एफ को, तो ए ई एफ को यूज करेंगे तो कैसा मिलेगा, चलो देखते हैं। इधर लिखते हैं ए ई प्लस ए एफ, चलो अभी इधर तुम्हें ए ई क्या मिल रहा है, ए ई क्या मिल रहा है तुम्हें, ए ई किधर दिख रहा है तुम्हें, नोटिस करो, ए ई किधर है, मार्क करो, ए ई इधर है, बराबर। सो देखो इधर ये ट्राइंगल लॉ वापस बन रहा है, ये टेल देखो इधर, ये टेल टू हेड और ये टेल से हेड, एंड दिस इज दिस टेल टू दिस हेड, मतलब ये रिजल्टेंट हुआ। तो मैं इसको ए डी प्लस डी लिख सकता हूँ, ये ए ई को, सो ए ई शुड बी रिप्लेस टू व्हाट, ए डी प्लस डी, चलो कोशिश करते हैं। सो इधर लिख देते हैं ए डी प्लस डी ई, ये मैंने किसको रिप्लेस किया, ये मैंने किसको रिप्लेस किया, ए ई को, समझा? हाँ तुषार, क्या बोल रहे हैं, ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई क्यू, हाँ नहीं जो जो चाहिए वो लाइन से जाना बेटा, हाँ पर लाइन से जाएंगे ना अपन, देख सो हम कुछ नहीं किया, मैंने ये जो टर्म लिया, ये जो टर्म लिया, ये ए डी को बीच में रखा, बिकॉज सब कुछ अभी ए डी बनेगा, बीच का है ना ए डी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ये दोनों को ऐड किया, फिर ये दोनों को ऐड किया। तो चलो अभी ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने ए ही मुझे किधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है ए, बराबर। चलो ये ए को मैंने क्या किया, दिस इज नथिंग बट टेल टू हेड, टेल टू हेड मतलब ट्राइंगल लॉ कंप्लीट हो रहा है। सो ए तुम्हारा क्या बन रहा है, मतलब अगर मैं ट्राइंगल लॉ इसके लिखू मुझे ऐसा मिलेगा, ए अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा कुछ मिलेगा, ए डी प्लस डी ई विल बी नथिंग बट ए, तो वही मैंने किया, ए डी प्लस डी ई विल इज नथिंग बट ए, बस मैंने लिख दिया उसको। हाँ चलो, सो अभी वापस हम लोग लिखते हैं इसको, आगे आगे हम लोग लिखते हैं, ए एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ किधर दिख रहा है तुम्हें, चलो नोटिस करो, वेर इज ए एफ, ए एफ इधर है, बराबर। सो ए एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई, देखो अगर ए एफ अगर हमें लिखना है तो भी थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, ये ए डी है तुम्हारे पास, ये डी ही है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास ई एफ है, बराबर। सो अगर मैं ये इतना ही पॉलीगॉन अगर कंसिडर करूं, बराबर, ए का नहीं समझा, ये ए किधर है बेटा, देखना ट्राइंगल बना ना, ये ट्राइंगल बना, ये ए ई है तेरा, ये इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर जा रहा है और ये डी है, अब समझा? यस, ए एफ इक्वल्स टू, ए एफ इक्वल्स टू ए बी, ए एफ इक्वल्स टू हेक्सागन है ना, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग उसको बात कर सकते हैं, ओके। सो ए बी देखो, ये अमन को शायद नहीं समझा था, ये अभी ये समझा अमन, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा रहे, राइट। तो चलो इसको हम लोग ने हटा दिया, चलो अभी इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, तो इधर में ए डी, ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, फाइन, ये ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ को मैं ए एफ लिख सकता हूँ, एक्चुअली ये उल्टा ही रहेगा, ये ऐसे ही है, वो उल्टा है वो,
ठीक है। सो AF, हाँ वही वही AF, अभी तक एक्सप्लेन वही कर रहा हूँ बेटा। तो चलो AF अगर अभी हम लोग लेते हैं, तो चलो AF को अगर मैं AE AE प्लस FE लिख दो बराबर, और AE तुम्हें ऑलरेडी पता है। चलो मैं एक बार दो स्टेप में अपन करते हैं। AF को तुम लोग लिख दो, AF को तुम लोग लिख दो, AF को तुम लोग लिख दो, क्या दिख रहा है तुम्हें? AE प्लस FE दिख रहा है। तो चलो AE प्लस FE लिख दो, AE प्लस FE लिख दो। हाँ वही ना अद्वैत, वही तो किया मैंने, AE प्लस FE मैंने लिख दिया बराबर। अच्छा और AE तुम्हें पता है क्या होता है? AE समथिंग बट AD प्लस DE, AD प्लस DE तुम्हें पता है ना वो। तो चलो अगर उसके हिसाब से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AE प्लस AF, नहीं, वो अद्वैत वैसे ही है वो। सो ये क्या हो जाएगा? AD प्लस DE प्लस ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, जिधर जो ट्राइंगल दिख रहा है वो वाला ट्राइंगल ले लो, टेल टू हेड, टेल टू हेड। वैसे ही मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जो टेल टू हेड चल रहा है वही अपन वर्कआउट कर रहे हैं। सो AD प्लस DE मैंने कर दिया राइट। अरे भाई तो बोल रहा हूँ, नहीं वो वैसे है, इधर ऐसे है वो, ठीक है? सब लोग समझ गया? इसे देखो मैंने रेड में मार्क किया है, फाइन, सब लोग मेरे साथ, वो वैसे आ रहा है, ठीक है? तो ही वो सॉल्व होगा, वो थोड़ा एरो में वो उधर प्रॉब्लम हो गया है बराबर। तो देखो हाँ समझा वेदांत, वो ऐसे होगा। तो देखो अभी ये AE को वापस मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, AD प्लस DE, तो वापस लिख दो AD प्लस DE। तो देखो अगर इसको मैंने लिख दिया AD प्लस DE तो एक कैसा दिखेगा? AD प्लस DE प्लस EF, ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा। हाँ मिस्टेक है उसमें, समझ में आया? वो टाइपिंग में वो एरर हुआ है, वो एरो एक्चुअली ठीक से दिख भी नहीं रहा है उसके अंदर, वो इसके लिए एरो नीचे की तरफ है, तो ही तुम्हारा आंसर आएगा, वरना आंसर कैसे लाओगे? वो होगा ही नहीं। टेल टू एट, समझा यश? सबको पता चला एकदम बेस लॉजिक, सबको क्लियर? ठीक है तो ऐसे करके मुझे क्या पता चला कि भाई हाँ एक इक्वेशन मुझे मिल गया AD प्लस DE। चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे, यस हाँ, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो AE प्लस AF मुझे और एक क्या मिल गया? AE प्लस AF का इक्वेशन क्या मिल गया? AD प्लस AD विल बी 2AD प्लस 2DE प्लस EF। अच्छा अभी ये EF जो हम लोग ने लिखा है, अरे सॉरी 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 FE, हाँ FE या फिर EF, उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? एज ऑफ नाउ उसको लिख देते हैं FE लिख देता है, ठीक है? हाँ मैं करता हूँ। चलो FE या फिर EF, EF लिख दो उसको, AE माइनस AF, ठीक है? EF इसको लिख दो, ठीक है? तो ऐसे करके हमें और एक इक्वेशन मिल गया, ऐसे करके मुझे और एक इक्वेशन मिल गया राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर टू, ठीक है? तो चलो एक इक्वेशन ऐसे मिला, एक इक्वेशन ऐसे मिला। अभी वन एंड टू में से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सी तुम्हारा जो ए बी है, ए बी और तुम्हारा दूसरा क्या है तुम्हारा? अगर मैं ए बी का एक बात करूं और तुम्हारा और एक ये जो दो इक्वेशन है बराबर। सो ए बी है अपने पास, एक मार्क करो, थोड़ा हल्का सा विजन सेट करते हैं, ठीक है? ये एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। इधर ए बी है और इधर ए सी है राइट, इधर अपने पास ए बी है और इधर अपने पास ए सी है, ठीक है? और दूसरा है तुम्हारे पास डी ई और दूसरा है तुम्हारे पास के ई एफ है, डी ई एन ई एफ, या फिर तुम लोग ए बी बी सी बोलो या फिर डी ई एफ बोलो, दोनों भी तुम लोग मेंशन करो। तो अगर मैं उस तरीके से अगर मैं बात करूं, सो मैं इसमें और क्या वेरिएशंस कर सकता हूँ इसको मैं और किस तरीके से? अभी देखो तुम्हें एक तो बीच में कैसा है पता है क्या? इसके बीच में डायग्राम तुम लोग और एक बार देखो, डायग्राम तुम लोग और एक बार देखो, वो लोग ने बीच में जो ट्राइंगल्स वगैरह तुम लोग को बनाया है, तो देखो अगर ये डॉटेड लाइंस अगर मैं भी इधर मेंशन कर दूं तो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा, एक इधर से एक डॉटेड लाइन है और इधर से एक डॉटेड लाइन है राइट। यस AO चाहिए ना, तो इधर AO मैंने बनाया ही नहीं है ना, तो AO पहले बना देते हैं। सो इधर तुम्हारा क्या आ रहा है? O आ रहा है राइट, ये AO आ रहा है तुम्हारा, ठीक है? चलो सो अगर मैं O के टर्म्स में बात करूं, AO के टर्म्स में बात करूं अभी, तो मुझे अगर मेरा आंसर अगर AD के टर्म्स में आया, अगर मैं मेरा पूरा आंसर अगर मैं AD के टर्म्स में लेके आ पा रहा हूँ, तो मुझे AO के टर्म्स में इजिली मिल जाएगा। बिकॉज ये हेक्सागन में कैसा होता है कि
कि वो जो तुम्हारा पूरा जो वन साइड है ना, इट वो जो पूरा डायगनल जो है ना तुम्हारा पूरा, इट विल बी नथिंग बट हाफ, वो साइड का तुम्हारा आधा हो जाएगा. सो एडी विल बी ट्वाइस ऑफ एओ. यस, सो एडी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एओ हो जाएगा. सो तुम्हें इन शॉर्ट लेके क्या आना है पता है क्या, ए बी प्लस बी सी, या फिर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ. अगर ये पूरा इक्वेशन अगर तुम्हें एडी के टर्म्स में मिल रहा है ना, एडी के टर्म्स में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा. पूरा इक्वेशन तुम्हें क्या करना है, एडी के टर्म्स में लेके आना है एफ सी. हाँ यस यस वैष्णवी. सो अगर तुम लोगों को पूरा इक्वेशन अगर एडी के टर्म्स में मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया. दैट्स इट, वही तुम्हें करना है बराबर. और अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है तो तुम लोग इधर कंस्ट्रक्शन का भी यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है तो, राइट. सो चलो अभी और इसमें किस तरीके से मैं वर्किंग कर सकता हूँ. इधर मुझे देखो, इधर एडी मिल गया है. नोटिस करो, नोटिस करो, इधर क्या क्या मुझे मिल गया है. इधर ए बी प्लस ए सी मुझे मिल गया है. एक सेकंड में लिख देता हूँ. इधर मुझे मिल गया है ए बी प्लस ए सी मुझे मिल गया है बराबर. ए बी प्लस ए सी मुझे मिल गया है, दैट इज टू ए बी प्लस बी सी. मुझे ए ई प्लस ए एफ मिल गया है, ए ई प्लस ए एफ, दैट इज टू ए डी प्लस डी, टू डी प्लस ई एफ. तो चलो अभी ये दोनों भी चीज अगर मैं ये इक्वेशन में पुटअप करूँ जैसे तुम्हें ढूंढना था, तो मुझे क्या मिलेगा. चलो नोटिस करते हैं किस तरीके से वर्क. एक सेकंड में अटक गया, एक ही सेकंड, आई आई गॉट स्टक, अटक गया मैं इधर. ये स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोग को, स्क्रीन दिख रहा है ना. एक सेकंड है, इधर वर्किंग नहीं कर पा रहा हूँ. जस्ट अ सेकंड है, जस्ट अटक गया. चलो कोई नहीं रुको रुको, हो गया, स्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ, ठीक है. चलो सो अभी ये पूरे को इसमें रिप्लेस कर दो, ये पूरे को है ना हम लोग इसमें रिप्लेस कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. अरे नीचे, हाँ गया गया. चलो ये पूरे को हम लोग रिप्लेस कर दो, देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा. तो चलो इधर ए बी प्लस ए सी को रिप्लेस करो, टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस ए डी वैसा का वैसा, प्लस ए ई प्लस ए एफ को रिप्लेस करो, टू ए डी प्लस टू डी ई प्लस ई एफ, ठीक है. तो चलो ये क्या है तुम्हारा, टू ए बी बराबर. चलो जो जो उड़ रहा है उसको उड़ाओ, जो रख रहा है उसको रख सकते हैं. सो टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस टू ए डी प्लस टू डी प्लस ई एफ बराबर. अच्छा चलो अभी ए बी की जगह तुम्हारा ए बी और ई, ए बी और डी, ये ए बी और टू डी ये कैंसिल हो जाएगा. क्यों, ए बी ये साइड जा रहा है और तुम्हारा डी ऑपोजिट साइड जा रहा है बराबर. चलो तुम्हारा बी सी एंड ई एफ, बी सी एंड ई एफ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. क्यों, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बराबर, मैग्नीट्यूड सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो बचा क्या तुम्हारा, थ्री एडी बचा. देखो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो ए बी ए साइड, ऊपर से डी ई ए साइड कैंसिल हो जाएगा बराबर, बी सी ए साइड, एफ ई ए साइड, इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स बराबर. समझ में आया, हाँ, क्योंकि उधर सामने भी मुझे मिला ना टू ए बी का. ये देखो और एक बार देखो, और एक बार देखो, जिसको इसको नहीं समझा वो और एक बार देखो, एकदम इजी है, कुछ भी एकदम चिंदी लॉजिक है. नोटिस करो, नोटिस करो, दो देखो 5-10 मिनट मुझे दे दो, नोटिस करो, एकदम चिंदी लॉजिक है. क्या है तुम्हारा ए बी बराबर, और ये क्या है तुम्हारा दूसरा क्या है तुम्हारा डीई बराबर. ये ए बी और ये डीई, ए बी का डायरेक्शन देखो और डीई का डायरेक्शन देखो, ए बी का डायरेक्शन ये साइड, डी का डायरेक्शन ये साइड. अच्छा हेक्सागोन है मतलब ऑपोजिट साइड द सेम, ऑपोजिट साइड द सेम बराबर. तो अगर ये ए बी ये साइड जा रहा है, डी ये साइड जा रहा है, मतलब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए और ऑपोजिट वेक्टर्स हो गए और नेगेटिव वेक्टर्स हो गए. यस और नो, यस और नो. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड डी बोथ आर ऑपोजिट, सो टू ए बी एंड टू डी वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये चमका सिंपल एकदम. सिमिलरली सिमिलरली चलो दूसरा क्या है अपने पास, बी सी एंड ई एफ. चलो कोशिश करो बी सी एंड ई एफ का, देखते हैं बी सी किधर जा रहा है, ये साइड, ई एफ किधर जा रहा है, नीचे की तरफ. पहले ही मैंने बोला कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बी सी ये साइड जा रहा है
और ई एफ नीचे की तरफ जा रहा है, बी सी दिस साइड, ई एफ दिस साइड, बोथ ऑपोजिट साइड आर सेम, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी भी तुम्हारा कट और ई एफ भी तुम्हारा कट, बराबर। सो लिख दो इधर, बी सी गया, ई एफ भी गया, तो बचा क्या, ए डी प्लस ए डी, विच इज नथिंग बट इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए डी, मां कसम आए कि नहीं। और एओ क्या होता है, एडी का आधा, राइट। सो एओ एओ अपॉन टू इज नथिंग बट योर, अरे सॉरी, ये एडी क्या हो जाएगा, तुम्हारा डबल हो जाएगा, बराबर। तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स टाइम्स हो जाएगा एओ का अगर चाहिए तो, बराबर। सो मैं इधर लिख सकता हूँ थ्री टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ एओ, एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एओ, तो क्या हो जाएगा, सिक्स टाइम्स ऑफ एओ, हेंस प्रूफ्ड। देखो समझ में आया क्या, यस, ऑब्जर्वेशन के बिना तो काम नहीं होगा। देखो वेरी डिड एडी कम रॉम, क्या नमन, क्या नाम था, मगज में आया, चल वेरी गुड, आया ना। व्हाट इज दैट लाइन सेगमेंट ऑन एओ इन द ऑप्शंस, किधर लाइन सेगमेंट, क्या बात है अद्वैत। हाँ उससे भी देखो इसमें कैसा है, वो एक्चुअल क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता रहा था कि वो जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना वो ऐसा था, एक्चुअली ये वैसा था, अच्छी तरह से समझा। हाँ लेकिन एओ के टर्म से फिर और ज्यादा वो टीडियस हो जाता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू सॉल्व अलॉन्ग विद द वेक्टर्स, जो भी तुम लोग वेक्टर्स के अलॉन्ग करोगे ना, विच इक्वेशन, अरे बेटा ये क्वेश्चन है, ये तो ये वाला क्वेश्चन है, मैं मार्क कर दूं, ये जो चीज है ये तेरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें मैंने डाला, समझा ना। तो ए बी प्लस ए सी पहले सॉल्व कर दिया मैंने बेटा, जिसका भी डाउट है उसको मैं बोल रहा हूँ, ए बी प्लस ए सी मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे पता था कि ए डी के टर्म्स में आएगा, क्योंकि देखो बीच में था वो, मुझे पता था कि ए डी के टर्म्स में आंसर इजीली आएगा, उसके लिए थोड़ा विजन चाहिए, प्रैक्टिस से अपने आप होता है। सो ए बी प्लस ए सी को मैंने पहले सॉल्व किया, फिर ए ई प्लस ए एफ को मैंने फिर सॉल्व किया, ठीक है, फिर मैंने ये ए बी प्लस ए सी और ए ई प्लस ए एफ दोनों इसमें डाल दिया, मेरा काम हो गया। ए बी को क्या सिंप्लीफाई करेगा, जो आसान होता है वो करो। हाँ यश, ऐसे इतना है कृष्णा, इतना भी नहीं होता है, सारे वेक्टर्स है, नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, वही तो प्रॉब्लम था ना, ठीक है। चलो देखो वो जो अभी 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 एक काम करो, और एक काम करो, एक काम करो, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था तुम लोग ने, एक काम करो 23rd वाला ट्राई करो, 23rd वाला ट्राई करो पहले, ये 26th वाला तो एकदम सिंपल है, 26th वाला, 25th वाला सिर्फ तुम्हें ये करना है, क्या बोलते सर, बट एओ इज हाफ ऑफ एडी, राइट, यस यस, तो लिख सकते हो ना एओ इंटू टू इज एडी, वही तो मैंने किया, नया क्या किया। चलो कौन सा करना है, 23rd क्वेश्चन नंबर, 23rd फटक से, चलो क्वेश्चन नंबर 23rd ट्राई करते हैं। 23rd का क्या है आंसर, 23rd का ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, चलो वेरी गुड, क्वेश्चन रीड करते हैं, मैं शेयर कर दूं तुम्हारे साथ, क्वेश्चन शेयर करो एक बार, किधर गया मेरा वो जो पीडीएफ था वो, एक सेकंड ना, एक सेकंड, शेयरिंग का ऑप्शन, हाँ 23rd वाला देखो क्या हो रहा है इधर, इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर सो एंड सो, then a unit vector r bar along the direction of sum of these vectors will be how much, acha so ye a bar diya b bar diya aur c bar diya hai tumhe, ye sabke values tumhe diye hue hai, so tumhe kya karna hai pata hai kya, you have to find out the unit vector, to unit vector kya hota hai pata hai tumhe, chalo fatak se ye question read kar liya sab log ne, yes very good aman, wahi hai formula right, to chalo unit vector ka hamesha zindagi par tumhara ek hi formula rehta hai, formula kya hota hai unit vector ka, dekho कभी भी हम लोग वेक्टर्स को लिखते हैं ना, हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, सो ए बार इज नथिंग बट मॉड ए, ए कैप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बराबर, दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, सो ए बार विल बी नथिंग बट डिवाइडेड बाय मॉड ए, ए बार अपॉन मॉड ए,
सो मुझे यूनिट वेक्टर ढूंढना है किसका, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का। तो करो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, क्या है तुम्हारा ए बार का वैल्यू क्या है, ए बार का वैल्यू है 4i कैप माइनस जे कैप, सो लिख दो 4i कैप माइनस जे कैप। फिर बी बार का वैल्यू क्या है, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप, सो इधर लिख दो माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप। प्लस सी बार का वैल्यू क्या है, माइनस k कैप, तो लिख दो माइनस k कैप। तो इधर डायरेक्टली लिख दो ना, चलेगा ना भाई, ये हो गया तुम्हारा माइनस k कैप। ठीक है, सो ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। चलो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4i-3i कैप बराबर माइनस 1 + 2 + 1 जे कैप एंड माइनस के कैप बराबर। चलो इसका मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन, सो ये इसको इसको इसमें पुट अप करो बराबर, ए बार में पुट अप करो, सो ए कैप विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1² + 1² + -1² विच इज नथिंग बट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप द होल डिवाइडेड बाय √3। कौन सा ऑप्शन है सर, इट इज आर कैप। हाँ तो आर कैप नाम दे दो यार, एक ही हुआ ना, फाइनल आंसर आया ना। ठीक है, देखो समझ में आया सबको, एकदम चिंदी लॉजिक राइट, एकदम सिंपल था, और कुछ भी नहीं किया हम लोग ने इसके अंदर राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 23 राइट। चलो दूसरा एक ट्राई करते हैं, 23rd 25th ट्राई करना है तुम लोगों को कुछ, 25th क्वेश्चन करना है। ठीक है चलो 25वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, 25वां क्वेश्चन देख लो, देख लो 25वां क्वेश्चन किधर गया, सी 25th क्वेश्चन देख लो क्या है ये, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें दिया है, तो इसमें तुम्हें परपेंडिकुलर बोला है। देखो एक चीज हमेशा जिंदगी भर याद रखो, सब लोग है मेरे साथ, एक चीज तुम लोग जिंदगी भर याद रखो तुम लोग, दैट कभी भी मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक जगह पे तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन डालते हैं और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस डालते हैं बराबर, तो तुम लोग एक चीज समझो, तुम्हारा जो भी तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट उसमें कॉस 0 1 होता है, सुन लो तुम लोग मेरी बात, सब लोग कुछ अच्छा चीज बता रहा हूँ, तुम्हारा कॉस 0 क्या का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कभी भी तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट आता है ना, डॉट प्रोडक्ट वो मैक्सिमम कब होता है पता है क्या, जब वो 0 डिग्री पे होता है, और मिनिमम कब होगा, जब वो 90 डिग्री पे होता है। वो एक फंडा बैठा दिमाग में, तो मुझे कभी भी अगर मुझे स्केलर्स को सॉल्व करना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, वर्क डन इज एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। सुना सुना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा हल्का सा सोचो, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा, सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात, एफ एस कॉस थीटा होता है। वर्क डन 0 कब होता है, तुम्हारा वेट है, वेट और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होता है, व्हाई, बिकॉज़ ये बोलता है 90 डिग्री। वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। सुना तुम लोग ने, और सिमिलरली तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी रहता है ना, वेक्टर क्वांटिटी अगर ए बार है और बी बार है, चलो हमेशा ऐसे राइट हैंड रूल से हम लोग तीसरे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं, तो जो भी रिजल्टेंट आता है ना इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, तुम्हें जो भी आंसर मिलता है ना इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो साइन में उधर हम लोग साइन यूज करते हैं, तो साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे, साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, तो वो विजन सेट करो। तो इधर वर्ड परपेंडिकुलर आया है, वर्ड परपेंडिकुलर आया है, तो तुम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो क्या बताओ, नहीं कर सकते, इधर ही खत्म। कभी भी ऐसा वर्ड्स आ रहा है तुम्हें, परपेंडिकुलर तुम्हें आ रहा है, एरिया बेस इनटू हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इच अदर, एरिया बोला है, वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, अगर ऐसे सब टर्म्स में बोला है ना तो इट इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट। जिंदगी में गलती करोगे अभी, जिंदगी में गलती करोगे अभी, सब लोग है ना मेरे साथ, सुना वो विजन, सुना तुम लोग ने मैंने क्या बोला, सबका ध्यान था ना एकदम अच्छे से,
मैंने सिर्फ कॉस कॉस और साइन बस वही दो उठाया। डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है। कॉस मैक्सिमम होता है जब जीरो पे होता है और साइन मैक्सिमम होता है जब 90 पे होता है। अगर मैंने मैंने अगर ये वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला है और मैंने अगर डॉट प्रोडक्ट यूज किया तो पूरा गलत आएगा, क्योंकि मेरा आंसर ही जीरो आएगा, बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है और एक क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला है। तो बचा क्या टर्म, साइन वाला टर्म। तुमको कभी एरिया निकालने बोला है, तुम्हें बोला है वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, ऐसा परपेंडिकुलर टर्म्स आया है, सर तुम्हें हमेशा ही यही करना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने को आते कि नहीं आते, चलो फटफट, चलो फटफट फटफट, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, चलो करते हैं। कौन सा कर रहे थे अपन, 2500 क्वेश्चन कर रहे थे ना, कौन सा है 2500 क्वेश्चन, वही है ना, सिक्स इधर गया, क्वेश्चन किधर गया, एक सेकेंड क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ यही है ना, टू 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 माइनस वन, सिक्स माइनस थ्री प्लस वन। चलो करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे थे ना, ऐसे करते हैं मॉड में डाल के, आई कैप जे कैप के कैप, इधर क्या आ जाएगा, टू टू माइनस वन और क्या था, सिक्स माइनस थ्री वन, राइट। अगर कुछ गलत लिखा है तो मुझे बताओ, वो मेरे दूसरे स्क्रीन पे। तो चलो इसको सॉल्व करने आते हैं, पहले अगर आई कैप सॉल्व करना है तुम्हें तो पहले आई कैप लिख दो बराबर, ये दोनों को ढक दो, ये इसको इसको ढक दो और इसको ढक दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो गया। टू इंटू वन, टू इंटू वन कितना होता है, टू माइनस थ्री माइनस वन इज प्लस थ्री, तो इधर माइनस थ्री आ जाएगा। फिर जे कैप सॉल्व करना है तो जे कैप हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ये दोनों को ढक दो और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो बराबर, सो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप बराबर, माइनस जे कैप टू प्लस वन आ जाएगा। फिर के कैप सॉल्व करना है तो ये दोनों को ढक दो और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बराबर, सो इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, प्लस के कैप होता है, माइनस सिक्स माइनस वन, कर दो इसको सॉल्व, माइनस आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सिक्स सेवन, ये कितना हो रहा है तुम्हारा, सॉरी ये 12 हो रहा है, वन नहीं 12 हो रहा है, तो 18 आ जाएगा बराबर, माइनस 18 के कैप। हाँ, वो एट वो मैंने 12 लिखा लेकिन वो हुआ नहीं, कभी कभी अटक जाता है ये, सो ए माइनस 18 के कैप बराबर, सो ऐसे करके तुम्हारा हो गया। चलो क्या निकलना है इसका, यूनिट वेक्टर, सो ये तुम्हारा वेक्टर आ गया, सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, दिस नथिंग बट यूनिट वेक्टर, सो माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 15 के कैप, अरे 15 नहीं 18 है, माइनस 18 के कैप, एक सेकंड मैंने कितना किया इधर, हाँ नहीं, वो हाँ वो उधर 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 कुछ मिस्टेक हुआ है बराबर बराबर, 18 है, 18 18 के कैप आएगा बराबर, सो 3 2 6 माइनस 6 माइनस 12 बराबर है ये, हाँ, तो ये ऐसा ही होगा। सो इसको तुम लोग इसको 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 सॉल्व करो, सो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है ना, कितना होता है, 18 स्क्वायर 324 होता है ना, हाँ वो है, उसमें थोड़ा है तकलीफ है, टेंशन मत लो, ये जो अपन कर रहे हो सही है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर दो, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप जस्ट सेकेंड, माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 15 के कैप द होल डिवाइडेड बाय, ये करो ना ऐड करो ना, कितना 380 कितना आ रहा है, 389 आ रहा है, ठीक है 389 हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो अब एक काम करो, 31 करो, 31 चलो 31 वाला करो फटाक से, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ, क्वेश्चन सर नहीं हुआ है सॉल्व, अरे नहीं हुआ है सॉल्व, शेयर करूँ स्क्रीन देख लो, इधर गया, ये रहा 31, दिख रहा है, दिख रहा है, टू फोर्सेस 3 न्यूटन 2 न्यूटन आर एट एन एंगल ऑफ थीटा सच दैट द रिजल्टेंट इज आर, द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन
and the resultant became 2y. The value of theta will be how much? किसका? अरे हाँ, वो ऊपर ऊपर वाला जो है ना, वो अपन ने सही किया है भाई, तो मैं कब से बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई, बोला तो वो ऑप्शन में नहीं दिया है, वो नहीं है, वो है गड़बड़ है। हाँ, 25th का ही मैं भी बात कर रहा हूँ, वो अपन ने जो किया वो वाला सही है, 25th वाला। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो 31 वाला करो। 31 वाला क्या है तुम्हारा? टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल ऑफ थीटा सच दैट द रिजल्टेंट इज आर। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। चलो अभी एक फोर्स को हम लोग ने क्या किया, 6 न्यूटन से बढ़ा दिया और रिजल्टेंट आया तुम्हारा 2r। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? तो कॉस थीटा का तुम्हारा वैल्यू क्या हो सकता है? चलो अभी ये है तुम्हारा क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको सॉल्व, सोचो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है और एकदम सिंपल तरीके से। पहले तो हम लोग आर कर सकते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट होता था वो, उसका है वो क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश रहेगा शायद, लेकिन वो पीएमटी, फिर वो ऑल इंडिया ही हो गया था। सो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हम लोग बोलते हैं फिर, लेकिन वो अभी बंद हो गया है, अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही आता है, नीट ही आता है अभी, बाकी सब बंद हो गया है। चलो इसमें कोशिश करते हैं, आई विल मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन बिकॉज आज ये थोड़ा इधर मैं करूंगा ना, फिर हैंग हो जाता है तुम्हारा चैट में नजर रखा है। दो इक्वेशन मिलेगा, यस हिरीशा सही है, और फिर उसको फॉर्मूला में लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरा ये न्यू पेज हुआ अभी हुआ। चलो फटाक से कोशिश करते हैं क्या आएगा। एक आईको डॉट प्रोडक्ट चुपचाप आर यूज करो। आर कितना दिया है तुम्हें? फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे बनेगा तुम्हारा, क्या दिया है तुम्हें? 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। सो निकाल दो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2 cos थीटा। सो आर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 2 × 4 = 12 cos थीटा। सो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 13 प्लस 12 cos थीटा। बराबर बराबर, ये इक्वेशन तुम्हें मिल गया राइट। सिमिलरली दूसरा क्या बोला कि भाई वो 3 को 6 बना दिया, तो इक्वेशन क्या मिल रहा है तुम्हारा? 2r स्क्वायर विल बी नथिंग बट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 2 cos थीटा। चलेगा ना, डायरेक्टली मैंने किया तो तुम्हारा रिजल्टेंट ट्वाइस हो गया बराबर, और तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर था वो 3 के जगह पे 6 हो गया। ओके, 10 प्लस 6 cos थीटा आ रहा है, ठीक है। सो इधर क्या आ रहा है तुम्हारा? 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 4 प्लस 24 cos थीटा। So 4r square will be how much? 40 plus 24 cos theta आ रहा है मुझे। Therefore r square will be how much? 4 tens are 4 six are ऐसा कुछ आ रहा है। 10 plus 6 cos theta right है। मैंने resultant में बेटा ये दूसरा equation मैंने बनाया। ये question में दिया है कि भाई जब ये 6 हुआ ना first equation तो resultant twice हो गया। मैंने यही फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, वही मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, नया कुछ नहीं किया, ठीक है। सिर्फ वो r को 2r लिखा है क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है बराबर। सो देखो ये भी r स्क्वायर ये भी r स्क्वायर दोनों सेम, बहुत नाइंसाफी है भाई, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो चलो अभी ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो क्या मिलेगा? 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 10 plus 6 cos theta, okay? So इधर क्या हो जाएगा? 13 plus 12 cos theta equals to 10 plus 6 cos theta. 10 को वो साइड लेके जाओ, उसको ये साइड लेके आओ, क्या मिल जाएगा? 3 equals to minus 6 cos theta equals to minus 1/2. इससे तो तुम लोग एकदम माहिर हो गए, कौन सा एंगल है फटफट बताओ, फटफट साइमल्टेनियस किया, फटफट बताओ, 120, वेरी गुड, अभी तो सबको आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम हो गया, सिंपल लॉजिक राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर वर्किंग एपिको यश राणे। सो व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में क्वेश्चन में क्या लिखा है? HP PMT 2000 वो एग्जामिनेशन का नाम है,
अगर वहां पे आर स्क्वायर नहीं आता तो आंसर गलत आता वैष्णवी। अगर तू वो क्वेश्चन में बोले तो वो तेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 31 था। चलो 32 वाला ट्राई करो। 32, इफ टू फोर्सेस, 32 वाला ट्राई करो। एक ये वाला टाइप का क्वेश्चन करता है, 32 वाला ट्राई करो फटाक से। इफ टू फोर्सेस, चलो 32 वाले में क्या है? इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स एक्ट एट अ पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। कम ये मेथड करो, जैसे करने का वैसे करो। सो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अरे 25 हो गया अनंत, कितनी बार करूं? 25th क्वेश्चन। इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट्स एक्ट एट अ पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी व्हाट। चलो तो तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और भाई का डायरेक्शन भी तुम्हें ढूंढ के बताना है। तो भी कैसे करोगे तुम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? मैं तो बोल रहा हूँ एक ही निकाल दो। सेम आंसर्स है क्या? सेम आंसर्स नहीं है इसमें। मैग्नीट्यूड तुम लोग निकालो, मैं डायरेक्शन निकाल के देता हूँ। ठीक है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, चुपचाप तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोग तब तक मैग्नीट्यूड निकालो, मैं डायरेक्शन निकालता हूँ। चलो फटाक से, तो क्या इसमें कर सकते हैं हम? इधर टैन थीटा लगा दो। टैन थीटा विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस 4 आ रहा है क्या? ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये कितना दिया है तुम्हें? 4 दिया है, बी का वैल्यू 4 दिया है, साइन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया है। ये दोनों भी 4 है और कॉस 120 हो जाएगा। तो चलो ये सबका वैल्यू तुम्हें बचपन से पता है, 4 इंटू साइन 120 कितना होता है तुम्हारा? √3/2 द होल अपॉन 4। तुम्हारा ये बाहर निकाल दो, सो 4 1 माइनस cos 120 कितना होता है? cos 120 होता है 1/2, 4 4 कट, क्या हो जाएगा? √3 बाय, ये हम कर रहे 32, ये था 31। सो ये क्या हो गया तुम्हारा? √3/2 द होल अपॉन 2 माइनस 1 1 1/2, 2 2 कट, क्या मिल गया? √3। समझ में आया? सो ये क्या है तुम्हारा? tan थीटा। tan थीटा इज नथिंग बट √3 हो गया, बराबर। क्या यश, कैसे माइनस माइनस कैसे बे, डाल दिया ना मैंने माइनस इधर, क्योंकि एंगल चाहिए यश, बोला है ना क्वेश्चन में, बराबर है भाई, वही तो बराबर है, ये कुछ गलत नहीं किया मैंने, है ना? सही किया ना मैंने। तो देखो थीटा विल बी नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू होता है 1.732, देख लो 1.732 होता है √3 का वैल्यू, कर दो, किधर मिल रहा है 1.732, और मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा? मैग्नीट्यूड 4 आया, राइट? यस, कर दो, जो भी ऑप्शन है मार्क कर दो, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, एकदम चिंदी तरीके से तुम्हारा हो गया। अरे एलसीएम लिया और क्या, 2 माइनस 1/2, दिस इज 1/2, एलसीएम लिया मैंने, और तो क्या कर सकता हूँ मैं, एलसीएम लिया है। अच्छा ऐसा है क्या यश? कोई बात नहीं है, वो तो स्टार्टिंग है, वो तो हो जाएगा। व्हाट इज टैन इनवर्स? टैन को वो साइड लेके जाते हैं ना, तो उसको टैन इनवर्स बोलते हैं। ओके, सुनो सुनो सुनो, वो जो क्वेश्चंस डिस्कस करने पहले अपन फटाफट कर देते हैं। तुम्हें टाइम पता है? 12:15 हो चुका है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, इन सेम प्लेन तुषार, सो भाई टैन थीटा, उसका फॉर्मूला है बेटा ये टैन थीटा का, क्यों भाई ओमकार हो जाएगा? 75 नहीं, 150 करना है थर्सडे तक, तो पार्टी खत्म होने आई है। यस वैष्णवी, डिफरेंट पोल्स और एंगल्स रहेंगे। मुझे मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आया, कुछ नहीं, तू फॉर्मूला में डाल दे, आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
बस सबका वैल्यू तुझे दिया हुआ है, दैट्स इट। 4 4 4 4 4 4 सब में डाल दे, cos थीटा 120, दैट्स इट, इतना ही करना है बेटा। ठीक है, हाँ सुनो, ये 32वां क्वेश्चन किया हम लोग ने अभी। एक काम करो, 37 वाला करो, 37 ये अच्छा क्वेश्चन है, 37 वाला करो। ओके चलो, 37 वाला ट्राई करो। ये देखो इधर है 37 क्वेश्चन। आई हैव शेयर्ड टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एफ। अरे हाँ, सुनो सुनो, तुम लोगों, यू कैन ऑलवेज सॉल्व योर डाउट्स। अभी कैसा है कि वो जो क्वेश्चंस के ना, वो अपन पहले खत्म करते हैं। तो देखो, ध्यान देने का कुंजल और कुछ भी नहीं, गो टू अल्ट्रा फोकस मोड, तो इसलिए मिस्टेक्स नहीं होते हैं। तो देखो, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एफ आर एट अ पॉइंट। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी हाउ मच। देखो अभी इसमें क्या बोला कि दो फोर्स है और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। थीटा क्या है? तुम्हारा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस है। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स? तो चलो कोशिश करते हैं इसमें हम लोग किस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके चलो, अभी इधर क्या है पता है क्या? सबका नाम एफ है इधर, सबका नाम एफ है, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए पता है? थीटा को थीटा की तरफ ही रखना है, राइट? एंड उसको तुम थीटा को थीटा ही रखो और सबका नाम एफ दे दो, दैट्स इट। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 आई एम सॉल्विंग, 37 में सॉल्व कर रहा हूँ। सो एफ रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? अंडर अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस टू, टू इंटू एफ इंटू एफ, टू इंटू एफ इंटू एफ कॉस थीटा। सो एफ रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर लिख दू, टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा, बराबर। सो एफ रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? अंडर रूट ऑफ टू एफ स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, वन प्लस कॉस थीटा, बराबर। अच्छा अभी इसको कॉमन निकाल दिया, अभी वन प्लस कॉस थीटा का एक्चुअली एक फॉर्मूला रहता है जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और एक बार करोगे, वो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला उसको हम बोलते हैं। सो वो इधर हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। सो टू एफ स्क्वायर, ये क्या हो गया, टू एफ स्क्वायर इंटू टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, बराबर। सो एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ फोर एफ स्क्वायर कॉस थीटा बाई टू। चलो अभी एकदम एकदम कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, फोर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट? तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चला कि हाँ भाई, इससे कुछ तो हमें मिल रहा है। सो फोर एफ स्क्वायर कॉस थीटा बाई टू, सो एफ रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट अंडर, ये अंडर रूट निकाल दो, फोर का स्क्वायर रूट टू होता है, एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का तुम्हें मिल जाएगा कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, हेंस प्रूफ। समझ में आया? सिंपल, ये वन प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला ये मैंने सिर्फ डाला है, दैट्स इट, ठीक है। अरे नहीं, कॉस थीटा भाई रूट टू नहीं आता, ये कॉस पूरा एक ही एंगल है, मैंने पहले भी तुम लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें सिखाया था, अगर तुम्हें पता हो तो, मैंने सेम चीज मैंने रिपीट किया था। हाँ फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता रहेगा, इसके लिए तो मैंने बताया कि तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में करोगे। कॉस का टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, टू इंटू टू फोर हो गया। अरे टू टू कैंसिल नहीं होता है, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ये कॉस ऑफ एनी एंगल इनसाइड दिस, ये पूरा एक ही आदमी होता है, भूलो मत। ये कॉस थीटा बाय टू इज एंटायरली एक टर्म, तेरा एक हाथ कैंसिल आउट नहीं होता है, वो पूरा एक ही आदमी, एक ही टर्म है, समझा? कैसे वन प्लस कॉस थीटा कैसे? अच्छा ये सर फोर कैसे? अरे टू इंटू टू फोर होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे क्यों कर रहे हो? टू इंटू टू फोर होता है ना, और इधर से मैंने कुछ नहीं किया, ये टू एफ स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालूंगा तो इधर वन बचेगा और इधर कॉस थीटा बचेगा, बस वही किया मैंने, ठीक है। लास्ट में टू, ये फोर का स्क्वायर रूट टू होता है ना, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स कॉस, नहीं भाई क्या बोल रहे हैं,
दिस इज योर हाफ एंगल फॉर्मूला कृष्णा. सुनो सुनो सबको एक बार, मैं ना सबका डाउट एक साथ वन शॉट बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. अभी वन प्लस कॉस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है जो तुम्हें नहीं पता है. सुना सब लोग ने? तो ये फॉर्मूला, इसके लिए मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम लोग अभी रिसेंट में ही, अभी कुछ ही टाइम में तुम लोग ये पढ़ोगे, ये वाला फॉर्मूला आतिफ सर तुम्हें पढ़ाएंगे ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो इसके लिए मैंने इधर ये हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली तुम्हें चेंज करके बता दिया, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये आतिफ सर तुम्हें पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स से तुम लोग करोगे. ठीक है, और ये टू और ये टू, ये दोनों मिलके फोर हो गया. ये टू कैंसिल आउट नहीं हो सकता. क्यों पता है क्या? ये कॉस का पूरा टर्म एक ही आदमी है, तो कभी भी जिंदगी में कोई भी एंगल कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है. ठीक है, तो फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है एफ, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू का स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ कॉस थीटा बाय टू बचेगा. अरे हाँ अथर्व, रुकना बेटा. हाँ आयुष सर, फंक्शन का स्क्वायर कैसे होता है? अरे फंक्शन का स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता भाई, कॉस स्क्वायर थीटा का भी पढ़ा नहीं का, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन, बचपन से पढ़ते यार, और तू पूछ रहा है उसका स्क्वायर कैसे हो सकता है, कमाल है. ठीक है, सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ. देखो आज अपन ना प्री प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस हमें आज करना है, इसके लिए हम लोग वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. इफ यू हैव एनीथिंग कम फॉर डाउट सॉल्विंग, उधर भी हम लोग हाफ एन आवर वन आवर अपन करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्विंग अपन करेंगे. ठीक है, चलो एक काम करो, ये कौन सा किया अपन ने, 37 किया ना. अभी एक काम करो, कौन सा क्वेश्चन करके दोगे मुझे, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड है, एक इससे होमवर्क. हाँ मोस्टली तुम्हें मैसेज आएगा, तुम्हें मैसेज आएगा उसका ना, तुम्हें मैसेज आ जाएगा. सो वो टेंशन मत लो, वो अगर रहेगा ना जो भी तुम्हारा सेशन वगैरह वो सबका तुम्हें मैसेज आ जाएगा. ओके गलत नहीं दशर है, अभी तुम्हारा एक स्टेप अहेड, बचपन में तेरा हाइट कम था अभी तेरा हाइट बढ़ गया, तो बचपन का हाइट तेरा गलत था ऐसा तो बोल नहीं सकता हूं ना मैं, बराबर. सो इसके लिए तो उसको बचपन में ऐसे ही बोला था ना कि इमेजिनरी होता है रूट ऑफ माइनस वन. ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे आते हैं, उसका मतलब ये नहीं, वो अपने आप होता है. वो गौरव सर ने वो हम लोग ने वो लिया था, सेशंस लिया था. ठीक है, कौन था वो, कौन था वो टिप्पणी वाला, एक सेकेंड नाम देखना है मुझे. चलो कोई बात नहीं, आई नो दैट ऐसा थोड़े कुछ टाइम तक, दो तीन महीने तक ना कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता नहीं होती है. ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक के ऐसा ये नहीं करवाते ये नहीं करवाते, वो सुन ही तुम्हारा सब टॉपिक्स स्टार्ट होता है, तो ये क्वेश्चंस का पूरा सेट होता है. सो इट डजंट मीन कि वो बीच में से कुछ ऐसे पुटअप करते हैं, ये क्वेश्चंस का सेट होता है, वो एक स्टैंडर्ड रहता है, वो तो वही हम लोग देते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें. नहीं 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 और भी है, अलग 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 लेते रहेंगे डाउट सॉल्व. चलो एक एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से, 49th वाला सॉल्व करके दो, 49th. ठीक है, 49th वाला सॉल्व करके दो फटाक से. चलो 49th क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49. एक सेकेंड मैं शेयर करूं तुम्हारे साथ क्वेश्चन. देखो द रिजल्टेंट पी बार एंड क्यू बार इज परपेंडिकुलर टू पी बार, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार. चलो अभी तुम्हें क्या करना है, अच्छा तुम्हारे पास क्वेश्चन जिसके पास नहीं है देख लो, इधर मैं शेयर कर रहा हूँ. ओके सो इधर तुम्हें क्या पता चला कि रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज परपेंडिकुलर टू पी बार. ओके सो व्हाट इज द एंगल, एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार क्या पता मन, देखते हैं ना, देखते हैं क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है और क्या इसमें हो सकता है. फाइन, तो चलो लेट अस चेक फॉर एग्जांपल कि इसके इसके अंदर हम लोग पुटअप करते हैं. चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं पुटअप करता हूँ, शेयर माई स्क्रीन, अपन को फॉर्मूला में डालना पड़ेगा राइट. तो चलो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, टैन का फॉर्मूला है. सो टैन अल्फा इज समथिंग बट क्यू साइन थीटा, सर क्योंकि हम इसमें नहीं डायरेक्टली होगा ना, ये तो क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया, इसमें पुटअप कर दे, अल्फा का वैल्यू तुझे दिया हुआ है 90 डिग्री,
एंड टेन नाइनटी कितना होता है, टेन नाइनटी इज इनफिनिटी बराबर। तो अगर मैं वन अपॉन टेन नाइनटी बोलू, सो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो बोलते हैं हम लोग इसको। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे बराबर। हम लोग क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा, क्योंकि इन्फिनिटी को तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। वन अपॉन टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन नाइनटी, तो जीरो हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लिया तो जीरो हो गया, बचा क्या, पी प्लस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा। नहीं ये डायरेक्टली हो रहा है, जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने का। तुम्हें पता है ना ये अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पी बार है और ये क्यू बार है और ये आर बार है, तो दिस इज नथिंग बट अल्फा एंड दिस इज नथिंग बट थीटा बराबर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट इज अल्फा। तो चलो अभी पुट अप करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या क्या मिलेगा, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो पी प्लस क्यू कॉस थीटा राइट। अच्छा तो अभी ये पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो गया, p को उस साइड लेके जाओ, माइनस p इक्वल टू क्यू कॉस थीटा बराबर। देयरफॉर आई कैन से लाइक दिस दैट कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 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 p अपॉन q हो जाएगा कॉस थीटा। सो थीटा विल बी नथिंग बट कॉस इनवर्स, वो साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस p बाय q, हेंस प्रूफ। देखो समझ में आया, इजी एकदम, हल्का सा विजन कैच किया था, पता है क्या, इसको 1 अपॉन 90 लो, दैट्स इट, इसको 1 अपॉन 90 लो, यही तुम्हारा कैच था, ये जिससे कर लिया तुम्हारा काम हो गया। क्या नो सर, मैसेज करना वरुण, बेटर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में पूरा जीरो हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं आती है, चलता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक। ये टैन अल्फा का मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, टैन अल्फा का फॉर्मूला लगा के मुझे अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है, ये सब गिवन में है, इधर तक की सारी चीजें ना गिवन में दी हुई है तुम्हें बराबर। इन्फिनिटी कहाँ से है, टैन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना बेटा अनिश, टैन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, वो टेबल में देख, गायब नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही होता है, एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो ओनली, एनीथिंग इनटू जीरो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही होता है कभी भी, क्योंकि यही फॉर्मूला लगेगा ना, तुम्हें अल्फा दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट में अल्फा किधर दिया है तुम्हें, उधर थीटा दिया रहता है राइट, तुम्हें अल्फा का वैल्यू दिया, अल्फा का फॉर्मूला कौन सा है तुम्हारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें अल्फा कहां से मिल, तुम्हें कहां है अल्फा, ये एंगल क्रॉस प्रोडक्ट में कहां मिलता है तुम्हें, यू डोंट गेट इट देयर राइट। तो फिर वो नहीं होगा, कुछ नहीं, ये देखो ये ऐसा होता है, इसमें मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन देखो ये क्या था तुम्हारा टेन नाइनटी इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, टेन नाइनटी इन्फिनिटी होता है, तो मुझे जो ढूंढना है मुझे उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा ना, नहीं हाँ, तो वन अपॉन जीरो का मतलब इन्फिनिटी होता है ना बेटा, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, सो रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी हम लोग जीरो लिखते हैं। So, इधर मैंने क्या किया, इसको जीरो लिख दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बराबर, इसको पूरे ये फॉर्मूला को ही मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, तो उल्टा लिख दिया तो मेरा काम हो गया फाइन, उल्टा लिख दिया तो ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा टर्म मुझे जीरो मिल गया, जीरो मिल गया और ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, देखो वही किया मैंने, सिंपल लॉजिक एकदम। और इसको ये पूरे टर्म को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो, तो बचा क्या, पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये एडिशन में है तो पी वो साइड जाएगा तो माइनस पी, तो बेसिक है ना, बॉटम रूल किया और क्या किया मैंने बराबर, वो अपन बाद में करते कुंजल, ठीक है फाइन। देख लो ये क्वेश्चन पूरा एक बार अच्छे से, एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल ही किया है मैंने, सिर्फ एक ही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, दैट्स इट, मुझे अल्फा दिया है, अल्फा रिजल्टेंट ऑफ, हाँ यस, लास्ट टू स्टेप से मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, देन थीटा वुड बी 90 डिग्री, दिशा
ये इधर जीरो हो गया ना यार पूरा, एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो ओनली, नहीं जाए नहीं होगा, एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो ओनली, तो इसमें क्या समझाओ यार, जीरो इनटू एनीथिंग, देखो समझा देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ, सबके यही क्वेश्चन है, जीरो इनटू एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो, पता है ना, कॉस को अगर वो साइड लेके जाते हैं तो इनवर्स बोलते हैं, ठीक है चलो कोई नहीं, अपन मिलते हैं अभी, ठीक है, इट्स एग्जैक्टली 12:30, मिलते हैं अपन, फाइन, थोड़ा आगे का तुम लोग करो, 75 के आगे आगे वाले भी क्वेश्चंस करो, मिलते हैं अपन, फाइन, यस, चलो आई विल एंड द सेशन हियर टुडे, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं, या बाय 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 बाय।